वेलकम भाई दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें बहुत सारे दोस्तों का यह कहना रहता है कि कोई रिक्वायरमेंट हो आपके जानकारी में तो हमें आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आज एक ऐसे लिंक के बारे में, एक ऐसी वेबसाइट की बात करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा पहले ही कि कहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो और पूरा वीडियो वॉच करो, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है आपको सिविल बापत जॉब्स, ठीक है ना। आप सर्च करेंगे तो आपको एक लिंक के इस तरह के कुछ ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है ना, आपको पहले ही पे सर्च करना है, ठीक है ना, सर्च सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स। इसके बाद आप आएंगे जॉब्स के ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा फेस विंडो ओपन होगा जहाँ पे लिखा होगा कैंडिडेट्स लॉग इन के लिए, ठीक है ना, एक एम्प्लॉयर के लिए होगा, एक कैंडिडेट्स के लिए होगा। तो सबसे पहले आप नीचे लॉग इन रजिस्ट्रेशन करिए अपना, यहाँ पे अपना नाम और ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी है आपकी, आप अपने इसमें डाल के लॉग इन करिए, ठीक है ना। लॉगिन करेंगे तो आपका ये के आपके मोबाइल पे वही ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को आप डाल के वेरिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है ना, सिविल बाबा के वेबसाइट को, ठीक है ना। आप अब इससे जुड़ जाएंगे, वेरिफिकेशन कर लिए। इसके बाद आप ये इस तरह से, जैसे मैंने लॉगिन किया है तो ये लॉगिन हो जाता है। इसके बाद इसमें आता है किस इंडस्ट्री से आप, किस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, किस डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं, क्या काम करते हैं, वो चीज़ आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। किस कौन सी आप डिजिग्नेशन क्या है आपकी और टोटल एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें टोटल मेंशन सबमिट कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद आपको इसमें हेडलाइन मांगता है कि क्या आप इसमें कुछ हेडलाइन देना चाहते हैं, तो वो आप इसमें लिख दीजिए आपकी जो जॉब है उसके बारे में, ठीक है ना, सेव कर दीजिए। इसके बाद एजुकेशन डिटेल में आप आता है कि 10th क्लास है, उसके बाद 12th है, उसके बाद आपका जो भी टेक्निकल एजुकेशन आपने लिया है उसको आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आपकी अलग से आती है स्किल क्या है, आप कोई ऐसा कोई टेक्निकल में जैसे कोई स्किल कोई कोर्स किए हैं कंप्यूटर का, तो वो आप मेंशन कर दीजिए कितने दिन का है, तो वो चीज़ आपको डिटेल मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है कोई जिस जो भी इंडस्ट्री से आ रही है उसका IAS कोड डिटेल जो भी रहता है वो आपको जानकारी हो तो इसमें आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। आप किस कंपनी में आप एक्सपीरियंस लिए हुए हैं ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी कंपनी है, कब से आप इसमें जुड़े हुए हैं, किस पोस्ट पे हैं, ठीक है ना। ये सारी डिटेल आप फिल करके इसको सेव कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत आसानी से जॉब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे कहाँ पे किस तरह के जॉब आ रहे हैं, ठीक है ना। आप उसी कंपनी का आप डिटेल आप मेंशन कर दीजिए, क्या क्या आपकी कंपनी का क्या प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है ना। इसमें आप लास्ट में आके एक अपना जो रिज्यूम हो उसको आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में आपको ये इसमें दिखाता है आपको किस तरह के जॉब अवेलेबल है, ठीक है ना। इसमें आपको दिखाएगा अप्लाई कैसे किया जाता है, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कोई हम एक इसमें ओपन करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कोई जॉब है आपकी एलिजिबल के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको कोई जॉब है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो जॉब अप्लाई कर देंगे, तो आपको फिर उधर से कॉन्टेक्ट किया जाएगा तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, किस तरह के क्या है डिटेल आपकी सारी मांगी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अप्लाई पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर देंगे इस कंपनी में, ठीक है ना। इसके लिए आप बहुत ही आसानी होगी, आप इसको लॉग इन करके आप इसमें मोर जॉब्स में इधर आइए, हाँ यहाँ पे शो ऑल में, तो इसमें बहुत सारी कंपनियों के डिटेल आपको मिल जाएंगे बाय पोस्ट वाइज, किस पोस्ट के लिए है, कितना आपका पेमेंट है। इसमें अप्लाई करने के बाद आपको HR डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, जिसके बारे में आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी कि आपको कैसे क्या क्या है, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसको जरूर आप अप्लाई करें और आप इससे जुड़े ताकि आपको इस तरह और का अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जानकारी कर मिलता रहे, लीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट को वीडियो लाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।